ओके हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रसल चैटर। सबसे पहले गाइस हम लोग बात करते हैं केविन ओवेंस के बारे में। अब जैसे कि मैं आपको बता ही रहा था कल वाली वीडियो के अंदर कि ऐसा लग ही रहा था कि AEW के अंदर केविन ओवेंस जाने वाले हैं, लेकिन अचानक से हमको ये पता लगा कि केविन ओवेंस ने WWE के साथ डील साइन कर लिया है। अब एक्चुअल में गाइस सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि डील कितने भारी भरकम पैसों की है, क्योंकि ये जानने में मुझे पता आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। 3 साल की जो डील है वो केविन ओवेंस की WWE के साथ होगी अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, और गाइस 2 या फिर $3 मिलियन की 1 साल की ये डील है। अगर हम इसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो भैया $1 मिलियन होते हैं 7-7.5 करोड़ रुपए के आसपास। तो यहाँ पर $2-3 मिलियन आप लोग समझ जाओ, या तो 14-15 करोड़ के आसपास की यहाँ पर एक साल की, मोटा मोटा आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आप कैलकुलेट करके तो और अच्छे से देख सकते हो। इतने मोटे पैसे 1 साल के लिए केविन ओवेंस को मिलने वाले हैं। और गाइस केविन ओवेंस ने इसका भी जवाब दे दिया कि आखिर उन्होंने WWE के साथ ही साइन क्यों किया। उन्होंने कहा ये काम मैंने सिर्फ और सिर्फ किया अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि मेरी फैमिली के लिए बेस्ट डिसीजन था और मैं अपनी फैमिली के लिए सब चीज़ें करता हूँ, ऑब्वियसली हर कोई अपनी फैमिली के लिए करता है, ऐसा यहाँ पर केविन ओवेंस का कहना था। और बाद में गाइस AEW वालों का क्या रिएक्शन है कि केविन ओवेंस ने उनके साथ साइन नहीं किया, वो भी इस बात को समझते हैं कि केविन ओवेंस के लिए बेस्ट डिसीजन यही था कि वो WWE के साथ साइन करें, क्योंकि बीच में आ जाती है फैमिली, और अगर बीच में फैमिली आ गई तो फिर यहाँ पर AEW ने भी ज़्यादा कुछ ऐसे गुस्सा दिखाने वाली चीज़ करी नहीं केविन ओवेंस के साथ, और जो सारा मामला है वो सेटल हो गया। केविन ओवेंस ने ये भी कहा कि इतने सालों से वो WWE के साथ काम कर रहे हैं और उनको WWE अब अपना होम लगती है, और इसलिए वो इस कंपनी को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, और अगर जाते तो शायद वो जो फैमिली वाली वो चीज वो बोल रहे हैं ना, शायद उसमें कुछ इंटरफेयर होता, तो इस वजह से जो है केविन ओवेंस का डिसीजन था। तो ये सारी रिपोर्ट्स मैंने आपको केविन ओवेंस के बारे में बता दी है। अब इसके ऊपर आपके क्या रिएक्शन है? $2-3 मिलियन की डील 3 साल के लिए WWE के साथ, वैसे मजे आ गए केविन ओवेंस के। अब देखते हैं Day 1 पेपरव्यू के अंदर भी क्या केविन ओवेंस के और ज्यादा मजे आ पाते हैं। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं NXT की व्यूअरशिप के बारे में। अब आप लोग सोचो कि भाई NXT के शोज तो हमने कवर करे नहीं है, तो हम NXT की व्यूअरशिप की क्यों बात कर रहे हैं? पहले व्यूअरशिप बताता हूँ फिर NXT के बारे में बताऊंगा। लास्ट वीक जो NXT की व्यूअरशिप थी वो थी 5,90,000, लेकिन इस हफ्ते की बात करें तो ये 5% घट गई है, और अब जो NXT की व्यूअरशिप आई है वो है 5,61,000। और गाइस मैं आपको यही बता दूं, जब से NXT 2.0 आया ना, मतलब ये जो नया वर्जन WWE लेकर आई है, तब से ये अब तक की NXT की सबसे कम व्यूअरशिप है। और गाइस मैं आपको यही बता रहा था, व्यूअरशिप मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि मैं आपको यही बता सकूं कि NXT के शोज को मैं क्यों कवर नहीं कर रहा, क्योंकि रिसेंटली मैं शोज को देख ही नहीं रहा हूं, और बस मुझे इतना पता था कि हां भैया हार्लैंड वहां पर आए थे, उनका वो डेब्यू हुआ था वगैरह, वो कुछ एक चीजें देखी हैं, लेकिन जब तक मैं पूरा शो नहीं देखता ना, मैं उसके बारे में बात नहीं करता, क्योंकि अगर मैं आधा अधूरा कोई चीज़ देख रहा हूँ और आपके सामने वो शेयर कर रहा हूँ तो मुझे लगता नहीं है कि वो चीज़ कहीं से भी सेंस बनाती है। तो इस वजह से रिसेंटली NXT के शोज़ को मैं नहीं कवर कर रहा। हाँ, AEW का सीन अलग है, क्योंकि भाई उनके शोज़ को कवर करने में ऐसे दिल में ना धक धक सा होता है कि कब उनकी तरफ से कोई कॉपीराइट वाला इशू आ जाए, तो वो एक अलग चीज़ है। बट हाँ, मैं कंटिन्यू करूँगा NXT के शोज़ को भी देखना। अभी रिसेंटली काफ़ी लाइफ में भी उथल पुथल हो गई थी, तो इसलिए भी नहीं देख पाया था, वो भी एक रीज़न है। तो ये NXT के समय हाल है, सोचा व्यूअरशिप भी बता दूँ, और क्यों NXT के रिव्यूज़ नहीं आ रहे चैनल के ऊपर उसका भी आपको रीज़न बता दूंगा। वैसे क्या आपको चाहिए कंसिस्टेंटली कि मैं लगातार ऐसे रिव्यूज़ दूँ? कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे NXT के बारे में बता सकते हो। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं द रॉक के बारे में, और अपनी बेटी के जन्मदिन के ऊपर ऐसा सरप्राइज, ऐसा कुछ उपहार देना कोई रॉक से सीखे, क्योंकि रॉक की जो बेटी है वो 6 साल की हो चुकी है, और इसके ऊपर रॉक ने एक पूरी पोस्ट डाली है, जैसे कि आप लोग देख भी सकते हो, जैजी है उनका नाम। यहाँ पर उन्होंने कहा कि वो कितनी क्रिएटिव है, लविंग है, काइंड है, और वो ये भी कह रहे हैं कि वो कितने प्राउड फादर हैं कि वो तुमको बैक कर रहे हैं। यहाँ पर सारी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने लिखी हुई हैं, और साथ में उन्होंने क्या गिफ्ट दिया है, गिफ्ट कहेंगे या क्या कहेंगे, जो भी आप समझ लो, कि उन्होंने अलाउ किया अपनी बेटी को कि वो उनके फेस के ऊपर ड्राइंग कर सके, कलाकारी कर सके। और आप लोग यहाँ पर इस वाली फुटेज के अंदर देख सकते हो, रॉक के चेहरे पर पूरी कलाकारी कर रही है उनकी बेटी, और रॉक यहाँ पर कितना ज़्यादा अलग दिखाई दे रहे हैं। ऑब्वियसली जब मुंह पे कलाकारी हो जाएगी तो बंदा अलग ही दिखाई देगा। तो रॉक ने यहाँ पर एक कुछ बड़ी अच्छी सी पोस्ट करी, क्यूट सी पोस्ट मुझे लगी, तो सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। और इससे ही पता चलता है कि रॉक इतने अच्छे फादर हैं, वैसे तो काफ़ी सारे लोगों के आइडल हैं, और सोचो रॉक की बेटी कितनी ज़्यादा, मुझे लगता है कि वो अपने आप को खुशनसीब समझती होंगी कि उनके फादर द रॉक हैं, मतलब जिसको पूरी दुनिया अपना आइडल मानती है। तो ये है भाई रॉक की बेटी का जन्मदिन, और कुछ इस तरीके से रॉक अपनी बेटी के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं।
एंड ये थोड़ी सी सीरियस बात है भाई, क्योंकि ब्रॉक लेसनर को एक बहुत तगड़ा चैलेंज मिला है, पता है किसकी तरफ से? एडम पियर्स की तरफ से। एडम पियर्स का आप लोग ये वाला ट्वीट देख सकते हो। ये वाला ट्वीट दिखाने से पहले आपको पॉल हिमन का ट्वीट दिखाता हूँ, जहाँ पर पॉल हिमन ने कहा, आई डो नॉट एडवोकेट ब्रॉक लेसनर्स पोजिशन रिगार्डिंग एडम पियर्स, बट आई श्योर डू लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ पियर्स एज अ हंटिंग ट्रॉफी। आपको पता है ना, वो मैंने ये वाला सेगमेंट में से मिस कर दिया था, जहाँ पर स्मैकडाउन पर यहाँ पर उन्होंने कहा था कि मैंने एक बहुत बड़ा मूस मारा है और उसको मैंने अपने घर पर लगाया हुआ है तेरे नाम से, पियर्स के नाम से। तो उसी की यहाँ पर एक फैन ने बड़ी अच्छी फैन आर्ट बना के ड्रॉइंग से ये डाला हुआ है, इसी को यहाँ पर पॉल हेमन ने पोस्ट किया और इसके ऊपर रिप्लाई आता है एडम पियर्स का और वो कहते हैं, व्हेन आर वी हैविंग आवर मैच, यानी ब्रॉक लेसनर को एडम पियर्स ने एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया है। इंटरेस्टिंगली एक हैशटैग उन्होंने यूज किया इस वाले ट्वीट के अंदर, जहां पर लिखा है कार्ड सब्जेक्ट टू चेंज, मतलब उनको भी पता है कि वो चैलेंज तो कर रहे हैं ब्रॉक लेसनर को, लेकिन एक्चुअल में ये कितनी बड़ी दिक्कत उनके लिए हो सकती है, मतलब बंदे को कहना भी है और उसकी फट भी रही है। एडम पियर्स का इस समय ये हाल है। हालांकि इसके ऊपर भी रिप्लाई आता है ब्रॉक लेसनर के एडवोकेट का, ब्रॉक लेसनर के शायद एडवोकेट का, पॉल हिमन की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने यहाँ पर इसके ऊपर रिप्लाई किया कि हाँ भैया, अगर तुम मैन इनफ हो तो तुम कभी भी ब्रॉक लेसनर के सामने आ सकते हो। तो देखते हैं एडम पियर्स और ब्रॉक लेसनर की जो स्टोरी है अभी वो किस तरीके से स्मैकडाउन के ऊपर चलती है। मुझे तो लग रहा है भाई अभी भी एडम पियर्स का तगड़ा वाला ठुकान आना बाकी है, क्योंकि अभी भी उनकी हजामत ब्रॉक लेसनर ने पूरे दिल से नहीं करी है, मतलब बिल्कुल दिल खोल के नहीं करी, और जब तक ब्रॉक लेसनर वो चीज़ कर नहीं लेंगे शायद उनके ऐसे तन बदन में चैन आने नहीं वाला है। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं उस पॉल हिमन गाय के बारे में जिसके बारे में आपको नहीं पता होगा, और वो आपको कैसे पता चलेगा, वो आपको पता चलेगा इस वाली इंस्टाग्राम की पोस्ट से जो कि पॉल हिमन के साथ MVP ने पोस्ट करी हुई है अपने इंस्टाग्राम के ऊपर। कैप्शन में उन्होंने लिखा है, माई रिटर्न टू WWE वॉज इंस्पायर्ड बाय माई सन बट वॉज फैसिलिटेटेड बाई दिस मैन, आई एम पॉल हिमन गाय। मतलब MVP यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि मेरा जो WWE में दोबारा से रिटर्न है ना, वो इंस्पायर्ड था मेरे सन से, लेकिन फैसिलिटेटेड था पॉल हिमन की वजह से, और आई एम अ पॉल हिमन गाय। अब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसके पीछे की मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। वो टाइम याद करो जिस टाइम पर रॉ के ऊपर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे पॉल हेमन, और उस टाइम पर ही हमको MVP दोबारा से WWE के अंदर देखने को मिले थे। तो ये पॉल हेमन का ही आइडिया था कि उनको MVP को दोबारा से कंपनी के अंदर लेकर आना है। अगर यहाँ पर पॉल हेमन को ये वाला रोल नहीं मिला होता तो आपको MVP WWE के अंदर देखने को मिलते ही नहीं, और इसी वजह से यहाँ पर जो MVP हैं वो बता रहे हैं आई एम अ पॉल हेमन गाय। तो सीक्रेटली एक और पॉल हेमन गाय है WWE के अंदर जिसके बारे में हमको ज़्यादा कुछ पता नहीं है, और वो नाम है MVP का। तो ये है भाई सीन। वैसे क्या आपको पता था कि MVP और पॉल हेमन के रिलेशन ऐसे हैं? वैसे पिक्चर तो साफ ही बता रही है, जितनी तगड़ी वाली स्माइल दी हुई है MVP एंड पॉल हेमन ने, इनके रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं, और पॉल हेमन ही वो रीज़न है जिसकी वजह से MVP वापस से आई WWE के अंदर। हम चलते हैं गाइस हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। एंड अ डे ऑफ रेकनिंग इज कमिंग दिस फ्राइडे टू द आइलैंड ऑफ रेलिवेंसी, ये कुछ आता है पॉल हेमन की तरफ से उनके इंस्टाग्राम के ऊपर। और गाइस नेक्स्ट स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए चीजों को इस तरीके से एडवर्टाइज किया जा रहा है कि रोमन रेंस की एब्सेंस में जो लॉयल्टी है उसको बेटर कर दिया सीमिंगली पॉल हेमन ने, जो कि ब्रॉक लेसनर की तरफ झुक गए। तो अब नेक्स्ट क्या होने वाला है रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर के बीच में जो पॉल हेमन है उनके साथ, क्योंकि WWE कुछ इस तरीके से एडवर्टाइज कर रही है कि रोमन रेंस एंड पॉल हेमन के बीच में टेंशन होने वाली है, क्योंकि रोमन रेंस की एब्सेंस के अंदर पॉल हेमन ने कुछ ऐसा कर दिया जो कि रोमन रेंस को पसंद नहीं आने वाला। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कल के स्मैकडाउन के एपिसोड में कुछ ना कुछ ऐसा एंगल होने वाला है, या तो खत्म टाटा गुड बाय हो जाएगा, वैसे इतनी जल्दी होगा या नहीं होगा उसके बारे में तो कुछ कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन डेफिनेटली रोमन रेंस पॉल हेमन के ऊपर पक्का बरसने वाले हैं, गुस्सा होने वाले हैं, क्योंकि वो दिखाएंगे लास्ट वीक की फुटेज पॉल हेमन को, जहां पर मोस्ट लाइकली फ्यूचर यूनिवर्सल चैंपियन कहकर रोमन रेंस की एब्सेंस में पॉल हेमन ने ब्रॉक लेसनर के बारे में ये कहा था कि भैया ब्रॉक लेसनर शायद फ्यूचर यूनिवर्सल चैंपियन है। तो इसके ऊपर रोमन रेंस किस तरीके से रिएक्ट करने वाले हैं, कल आपको ये स्टोरीलाइन देखने वाली है। और शायद रोमन रेंस एंड पॉल हेमन का अगर ब्रेकअप हो रहा है तो आपको इन चीज़ों की स्टार्टिंग कल के स्मैकडाउन के शो पर देखने को मिल जाएगी, और मज़ा तो तब आएगा अगर कल के शो पर हमको ब्रॉक लेसनर भी देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि अगर ब्रॉक लेसनर आ गए तो सेम टाइम पर सेम रिंग पर ब्रॉक लेसनर पॉल हेमन एंड रोमन रेंस, इमेजिन नहीं कर सकते कि थिंग्स किस तरीके से प्ले आउट करने वाली हैं स्मैकडाउन के शो पर। और वैसे भी स्मैकडाउन के एपिसोड ब्रॉक लेसनर के आने से इतने कमाल के हो रहे हैं, रोमन रेंस भी साथ में आ गए तो फिर भाई मज़ा ही मज़ा होने वाला है। लेट्स सी कल के स्मैकडाउन के एपिसोड में क्या होता है। लेकिन फिलहाल के लिए गाइस हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक कर दो, चैनल को आप लोग कर सकते हो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।